इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बास्केटबॉल गेम के सारे रूल्स हिंदी में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन और मैं आ गया हूं एक नए बास्केटबॉल ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तो मेरे पिछले ट्यूटोरियल वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें इस गेम के रूल्स ढंग से पता नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो खेलना शुरू करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी खेलना शुरू किया है लेकिन ढंग से बास्केटबॉल रूल्स पता ना होने के कारण वो अच्छे से खेल नहीं पाते या अपना पूरा टाइम नहीं दे पाते। तो इस वीडियो में मैं एक एक करके बास्केटबॉल गेम के सारे रूल्स आपको बताऊंगा। इस वीडियो को मैंने बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है बेसिक रूल्स, जिसमें मैं आपको मिनिमम रूल्स बताऊंगा जो आपको खेलने के लिए एकदम ज़रूरी है। दूसरा है फाउल्स, जो आप खेलते टाइम नहीं कर सकते दूसरे प्लेयर्स के साथ, आप क्या उनको मार नहीं सकते और ये सब। और तीसरा है वायलेशंस, जो टाइम रिलेटेड फाउल्स होते हैं गेम में, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर हम बेसिक रूल्स की बात करें तो बास्केटबॉल गेम दो टीमों के बीच में खेला जाता है, जिसमें एक टीम में मैक्सिमम 12 लोग हो सकते हैं और कोर्ट में एक बार में एक टीम से सिर्फ 5 लोग खेलते हैं और दूसरी टीम से 5 लोग। तो मोस्टली गेम ऑफिशियल मैचेस में 5-on-5 चलता है। तो आपका टारगेट बहुत सिंपल होता है, आपकी टीम को बेसिकली दूसरी टीम से ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने होते हैं और मैच के एंड में जिस टीम का स्कोर ज़्यादा होता है वो टीम मैच जीत जाती है। अगर हम टाइम की बात करें तो NBA के ऑफिशियल मैचेस में गेम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है, जिसमें एक क्वार्टर की लेंथ होती है 12 मिनट। तो ओवरऑल जो मैच चलता है वो 48 मिनट का चलता है NBA में। इंडिया में ये चीज़ थोड़ी अलग हो सकती है कि मैचेस 40 मिनट के चलते हैं और 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं या फिर 8-8 मिनट के क्वार्टर्स होते हैं कॉलेज मैचेस में। तो ये टोटली ऑफिशियल्स पे डिपेंड करता है और जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं उन पर डिपेंड करता है कि मैचेस की लेंथ क्या होगी। अगर हम कोर्ट के डायमेंशंस की बात करें तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि सारे मेन एरियाज कोर्ट के लेबल्ड हैं। दोनों एंड पे एक एक बास्केट होता है जिनकी हाइट होती है 10 फीट और बीच में आप देख सकते हैं एक हाफ कोर्ट लाइन, जिसके एक साइड आपका हाफ होता है और दूसरी साइड आपके अपोनेंट का हाफ। तो आपको अपने अपोनेंट के हाफ में जाके बास्केट स्कोर करना होता है और अपने पॉइंट्स बढ़ाने होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक 3-पॉइंट लाइन है या 3-पॉइंट आर्क है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 3-पॉइंट लाइन के पीछे से बास्केट स्कोर करते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर आपका पैर इस लाइन पे पड़ जाता है या फिर आप इस लाइन के अंदर से बास्केट स्कोर करते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो शेडेड एरिया इमेज में वो है पेंट, और इस पेंट के एंड में है फ्री थ्रो लाइन। अगर आप किसी पे फाउल करते हैं या आप पे कोई फाउल करता है तो आपको इस फ्री थ्रो लाइन से शॉट मारने का मौका मिलता है, जिसको बोलते हैं फ्री थ्रो, और आपको हर फ्री थ्रो मारने का 1 पॉइंट मिलता है। लेकिन आपको ये फाउल कैसे मिलेगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हम बास्केटबॉल गेम में पोजीशंस की बात करें तो इस गेम में 5 अलग अलग प्लेयर्स के लिए 5 अलग अलग पोजीशंस होती हैं, जो कि होती है पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड और सेंटर। पॉइंट गार्ड यूजुअली आपकी टीम का हाइट में सबसे छोटा इंसान होता है, जिसकी पासिंग और ड्रिबलिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और जो गेम को डायरेक्ट करता है, जैसे NBA में है स्टेफन करी और कायरी इरविंग। वैसे ही अलग अलग पोजीशंस के साथ हाइट थोड़ी बढ़ती रहेगी और स्किल लेवल थोड़ा अलग होता रहेगा। फाइनली जो सेंटर पोजीशन होती है वो टीम का सबसे लंबा और बड़ा प्लेयर होता है, जिसका काम होता है रिबाउंड निकालना, शॉट्स ब्लॉक करना और पेंट में घुस के बास्केट स्कोर करना। ये तो बात हो गई बास्केटबॉल के बेसिक रूल्स की, अब हम बात करते हैं कि खेलना कैसे है। तो एक प्लेयर जब खेलता है और उसके हाथ में बॉल होती है तो उसके बाद 3 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। या तो वो ड्रिबल करके आगे बढ़ सकता है, या फिर वो बॉल शूट कर सकता है, या फिर वो बॉल को दूसरे प्लेयर को पास कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बास्केटबॉल रिलेटेड जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। अब हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जो कि है फाउल्स। अब बास्केटबॉल में बहुत अलग अलग तरीके के फाउल्स होते हैं। पहले तो बेसिक रूल ये है कि हर एक प्लेयर मैक्सिमम एक मैच में 5 फाउल कर सकता है। 5 फाउल से ज़्यादा करने के बाद उस प्लेयर को गेम से निकाल दिया जाता है और फिर वो उसके बाद बचा हुआ पूरा मैच नहीं खेल सकता। ऐसे ही एक टीम एक क्वार्टर में मैक्सिमम 5 फाउल कर सकती है और उससे ज़्यादा फाउल करने के बाद दूसरी टीम के प्लेयर्स को मिलता है फ्री थ्रो। अब बास्केटबॉल में फाउल्स होते कैसे हैं? पहला होता है पर्सनल फाउल। किसी और स्पोर्ट की तरह इस स्पोर्ट में भी आप दूसरे प्लेयर को मार नहीं सकते, उसे धक्का नहीं दे सकते और उसे पकड़ नहीं सकते। अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ करते हैं तो आपके अकाउंट में एक फाउल ऐड हो जाएगा और बॉल ऑटोमेटिकली दूसरी टीम को मिल जाएगी। ये होता है पर्सनल फाउल। दूसरा होता है टेक्निकल फाउल। टेक्निकल फाउल यूजुअली ये होता है कि अगर आप रेफरी के डिसीजन पर उससे बहस कर रहे हैं या फिर आप किसी दूसरे प्लेयर को बास्केट मारने के बाद टॉन्ट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में आपको टेक्निकल फाउल मिल सकता है। और अगर रेफरी आपको 2 टेक्निकल फाउल दे देता है तो आपको उसके बाद मैच से निकाल दिया जाता है। और तीसरा और आखिरी फाउल होता है फ्लेग्रेंट फाउल। फ्लेग्रेंट फाउल बास्केटबॉल में सबसे बुरी तरह का फाउल है। ये फाउल तब होता है जब कोई प्लेयर जानबूझ के किसी दूसरे प्लेयर को चोट पहुंचाने के काम करता है, जैसे कि अगर धक्का मार दिया बहुत ज़ोर से और ऐसी चीज़ें जो दूसरे प्लेयर को चोट पहुंचा सकती हैं, तो ये होता है फ्लेग्रेंट फाउल। और ऐसे केस में
प्लेयर को सीधे ही गेम से निकाल दिया जाता है और बॉल ऑटोमेटिकली दूसरी टीम को दे दी जाती है। अब हम बढ़ते हैं फाउल से फ्री थ्रो की ओर। अगर शूटर हवा में है और वो बॉल को बास्केट की ओर शूट कर रहा है, तो ऐसे में डिफेंडर का काम होता है उछल कर बॉल पर हाथ मारना, जिसे बोलते हैं ब्लॉक। लेकिन अगर बॉल ब्लॉक करते समय डिफेंडर का हाथ शूटर की बॉडी पे या उसके हाथ पे पड़ जाए, तो उसे बोलते हैं शूटिंग फाउल। अब अगर ये शूटिंग फाउल होते समय शूटर थ्री पॉइंट लाइन के पीछे है, तो उसे मिलते हैं 3 फ्री थ्रोस, जिसमें हर एक फ्री थ्रो की वैल्यू होती है 1 पॉइंट। और अगर वो थ्री पॉइंट लाइन के आगे है, तो उसे मिलते हैं 2 फ्री थ्रोस। अगर शूटर पे शूटिंग फाउल होने के वक्त बॉल बास्केट के अंदर चली गई, तो उसके वो पॉइंट्स भी काउंट होते हैं और उसे एक एक्स्ट्रा फ्री थ्रो मिलता है। तो ये थे बास्केटबॉल के सारे फाउल्स। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के पार्ट 3 की ओर, जो है वायलेशंस। तो बास्केटबॉल में पहला वायलेशन है वॉकिंग या ट्रैवलिंग वायलेशन। ये बास्केटबॉल का बहुत बेसिक रूल है कि बॉल को आगे ले जाते समय एक प्लेयर को बॉल ड्रिबल करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्लेयर बिना बॉल ड्रिबल किए आगे बढ़ता है और बॉल को हाथ में पकड़ के चलता है, तो उसे बोलते हैं ट्रैवलिंग वायलेशन या वॉकिंग वायलेशन। ट्रैवलिंग वायलेशन होने पर बॉल सीधा दूसरी टीम को दे दी जाएगी। एक लेअप मारते समय भी आप भागते हुए सिर्फ 2 ही स्टेप ले सकते हैं और बास्केट को स्कोर कर सकते हैं, तभी वो एक लीगल लेअप काउंट होगा। अगर आप 2 से ज़्यादा स्टेप लेते हैं बॉल को लेअप मारते समय, तो वो एक ट्रैवलिंग वायलेशन में ही काउंट होगा। गेम की दूसरी वायलेशन है कैरिंग वायलेशन। बॉल को ड्रिबल करते समय आपका हाथ कभी बॉल के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप बॉल ड्रिबल करते समय हाथ नीचे लाते हैं और बॉल को ऐसे पकड़ते हैं, तो वो एक कैरिंग वायलेशन में काउंट होगा। आपका हाथ ड्रिबल करते समय बॉल के साइड में या बॉल के ऊपर हमेशा होना चाहिए। बास्केटबॉल का तीसरा वायलेशन है डबल ड्रिबल वायलेशन। बास्केटबॉल के रूल्स के हिसाब से आप बॉल को हमेशा एक ही हाथ से ड्रिबल कर सकते हैं। अगर आप बॉल को 2 हाथ से ड्रिबल करते हैं, तो वो एक डबल ड्रिबल वायलेशन माना जाएगा और ऐसे में बॉल दूसरे टीम को दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप बॉल ड्रिबल करके आते हैं और आप एक जगह पे खड़े हो जाते हैं बॉल पकड़ के, और उसके बाद आपको समझ नहीं आता क्या करें, और आप बॉल फिर से ड्रिबल करने लग जाते हैं, तो वो भी एक डबल ड्रिबल में ही काउंट होगा। तो इन तीनों मेजर वायलेशन से बचने के लिए आप हमेशा बॉल को ऊपर से ड्रिबल करें और हमेशा चलते समय बॉल ड्रिबल करते रहें, और कभी भी बॉल को 2 हाथ से ना पकड़ें जब तक आपको पता ना हो कि बॉल के साथ या तो शूट करना है या बॉल को पास करना है। तो इन ड्रिबलिंग वायलेशंस को कवर करने के बाद अब हम आते हैं टाइम रिलेटेड वायलेशंस पे। तो पहला जो वायलेशन है वो है 8 सेकंड वायलेशन। एक बार आप अपनी साइड से बॉल को अंदर लेके आते हैं, तो आपके पास सिर्फ 8 सेकंड होते हैं हाफ कोर्ट क्रॉस करने के लिए। अगर 8 सेकंड बाद भी आप हाफ कोर्ट के अपनी ही साइड हैं, तो वो एक हाफ कोर्ट वायलेशन माना जाएगा और आपकी बॉल अपोनेंट को दे दी जाएगी। सेकंड वायलेशन होता है बैक कोर्ट वायलेशन। एक बार आपने अपने हाफ को क्रॉस कर लिया, तो आप वापस बॉल लेके अपने ही कोर्ट पे नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक बैक कोर्ट वायलेशन माना जाएगा और बॉल फिर से अपोनेंट को दे दी जाएगी। अगला वायलेशन होता है 24 सेकंड वायलेशन। तो एक बार बॉल को बाउंड्री के अंदर लाने के बाद एक टीम के पास सिर्फ 24 सेकंड होते हैं बास्केट अटेम्प्ट करने के लिए। 24 सेकंड के अंदर आपको बॉल को रिम में टच करना होता है, जिससे कि 24 सेकंड वायलेशन ना हो। अगर आपने 24 सेकंड तक बास्केट अटेम्प्ट नहीं किया, तो बॉल दूसरी टीम को दे दी जाएगी और आप पे 24 सेकंड वायलेशन लग जाएगा। इसके बाद आता है इनबाउंड वायलेशन। अगर दूसरी टीम ने बॉल बाहर कर दी है और उसके बाद आपको बॉल को अंदर लेके आना है, तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होते हैं बॉल को अंदर पास करने के लिए। अगर आपने 5 सेकंड तक बॉल पास नहीं किया, तो इनबाउंड वायलेशन हो जाएगा और आपको बॉल अपोनेंट को देनी पड़ेगी। और बास्केटबॉल का आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट वायलेशन होता है 3 सेकंड वायलेशन, जो कि समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत बार रेफरी उसे दे भी नहीं पाते, बट वो बहुत ज़रूरी है कि आपके दिमाग में रहे कि वो क्या है। तो स्टार्टिंग के डायग्राम में जो पेंट एरिया दिखाया था, जो शेडेड रीजन था, एक प्लेयर 3 सेकंड से ज़्यादा उस जगह पे लगातार नहीं रह सकता है, चाहे वो डिफेंडर हो या फिर वो अटैकर हो। अगर वो प्लेयर 3 सेकंड लगातार उस जगह पे रहा, तो वो 3 सेकंड वायलेशन बोला जाएगा और ऐसे में बॉल सीधे दूसरी टीम को दे दी जाएगी। तो ये थे बास्केटबॉल से रिलेटेड सारे रूल्स, फाउल्स और वायलेशंस। इस वीडियो में मैंने मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट बास्केटबॉल के रूल्स कवर कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आप आगे बेटर खेल पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप कुछ और बास्केटबॉल के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं जल्द से जल्द वैसी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। टिल देन, प्लीज़।